महाभारत की कहानियों में कौरव और पांडवों को दुश्मनी का जिक्र मिलता है। कौरव और पांडव वैसे तो चचेरे भाई थे, लेकिन उनकी आपस में नहीं बनती थी। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन पांडवों से बहुत ईर्ष्या करता था, खासकर अर्जुन से उसे ज्यादा नफरत थी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर दुर्योधन ने अर्जुन को जीवन दान क्यों दिया। आइए जाने इस अद्भुत वृतांत को, आप देख रहे हैं भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार की बात है, दुर्योधन अपने मित्र कर्ण और भाई दुशासन के साथ वनवास काट रहे पांडवों को नीचा दिखाने के लिए वन भ्रमण करते हैं, और जहां पांडव निवास कर रहे थे उसी के समीप अपना डेरा डालते हैं ताकि वह स्वयं वैभव का आनंद ले और पांडवों को यह देखकर ईर्ष्या करे। इस आयोजन के दौरान दुर्योधन के गंधर्वों से विवाद हो गया और दुर्योधन की अहंकार ने युद्ध की स्थिति निर्मित कर दी थी, जिसे क्रोध में गंधर्व ने अचानक अवसर पाकर आक्रमण कर दिया। जब दुर्योधन और उसके साथी मंदिरा के नशे में चूर थे, उस हमले में सभी जान बचाकर भाग गए, यहाँ तक कि बड़े महावीर कहे जाने वाले कर्ण भी भाग निकले। उसी समय दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया। दुर्योधन के प्राण संकट में देखकर उसके सारथी ने पास ही निवास कर रहे युधिष्ठिर को सूचना दी और मदद मांगी। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को तुरंत आदेश दिया कि वो दुर्योधन की सहायता करे, अन्यथा भीम की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। अर्जुन और भीम के विनम्र व्यवहार ने गंधर्वों को दुर्योधन को छोड़ने पर विवश कर दिया। इसे क्षुब्ध दुर्योधन ने अर्जुन से इस एहसान के बदले कुछ मांगने को कहा, अन्यथा वह इस एहसान के साथ जी नहीं पाता। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया तो उनसे बाद में मांगने को वचन दे दिया। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन ने पितामह भीष्म पर पक्षपाती युद्ध का आरोप लगाया और बहुत ताने मारा कि वह हसीनापुर के रक्षा का ढोंग कर रहे हैं, जबकि कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते हैं। भीष्म बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं इसका प्रयोग कल युद्ध में करूंगा और अर्जुन को इसी बाण से मारूंगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, यह बाण मुझे दे दीजिए। भीष्म ने दुर्योधन को पांचों चमत्कारी तीर दे दिए। तब प्रसन्न दुर्योधन उन बाणों को सहेज कर अपने शिविर में आया। उसी रात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन का वर याद दिलाए और उसके बदले इन पांच बाणों को मांग लेने को कहा। हालांकि अर्जुन इन बाणों के कहानी से अनभिज्ञ थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह समय आ गया है, तुम दुर्योधन से वो पांचों चमत्कारी तीर मांग लाओ। तब अर्जुन ने दुर्योधन को बताया और पांच चमत्कारी तीर मांग लिया। इस प्रकार दुर्योधन ने अर्जुन को जीवन दान दिया और पांच चमत्कारी तीर अर्जुन को दे दिया। दोस्तों, ये थी दुर्योधन और अर्जुन से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।